कुत्ते है जिसे। पूर्ण शक्ति लाओ और जोर से, और जोर से जला दूं पूरा, करूं भस्म। कुठून आन ले होते, शमशान से, कब्रस्तान से? कौन ही आन ले होते थे, मानुस होता भाई को होती है क्या है, तो जीव घे मन ले होते का हो, कवा घे मन ले होते, अमूशाला पूर्णिमाला अमूशाला ही तो जीव घेणार होता तू। मेलेला माणूस आहेत बायको आहेत कोण आहेत, काय त्रास दे म्हणले होते याला, काय चांगलं वाटत हा अजून कर समजायच, शरीर मध्ये तकलीफ दे म्हणले होते का, और काय म्हणले होते, जोर से बोल, कशामध्ये खाऊ घातले होते याला, मटणात, कशाचं मटण होत ते, कवा घातले, किती वर्ष झाले, किती तीस वर्ष, आई जीव कवा घेणार होता अमूशाला पूर्णिमाला, कशा घेणार होता, एक्सिडेंट करून, सुसाइड करून, बिमारी वर टाकून, कसं मारणार होता, बिमारी करून, दिल रुका के उसको मार देने का था, अभी आने वाली अम्मा सो में कभी भी मौका देख के जकड़ लो उसको तेज के साथ, कौन से शमशान से आया था, कौन से गांव के शमशान से, जकड़ो उसको, मन के डालो उसको, जकड़ लो तेज के साथ, पानी दे रहे, अरे काय झाला, पियो ये पानी, मुंह सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मार रहा, और ये पानी दुआ का, ये बढ़ाना पिलाना उनको, वो मरा आंग में आया उनके, और आंग काय नाव है तुमचा, हिंचा काय नाव है, मिलावे ओ नीला भाई, काय झाला, काय नाम है तुम्हारा, हिंदी समझती क्या, क्या नाम है, कहाँ रहते, कौन से गाँव, अच्छा अभी क्या हुआ, कुछ याद है क्या, सवाल जवाब कुछ भी नहीं मालूम, त्रास क्या हो रहा था, क्या बताने को आए थे यहाँ, क्या तकलीफ बताने को आए थे, अच्छा पूरे आंग से, पसीना जा रहा था, अब यहाँ सब पूरा आंग दुख रहा था, पूरा टीचर सुना हो रहे थे, अच्छा यहाँ अंदर आए, कौन से आए तुम, यहाँ अंदर आए, अभी इनका ये पूछा है तो ये आंग में लाके पूछा, नहीं निकालने के करने के, कितने लिए तुम्हारे से, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितने लिए, अभी हमने कुछ लिए क्या तुम्हारे से पैसे, उधर देखो कैमरा चालू, उधर उधर देख के बोलो क्या लिए हमने, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितने लिया हम इलाज के, कितने लेता लिया क्या इलाज के तुम्हारे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख मुझे भी यहाँ हाजिर करने के निकालने के, जोर से बोलो क्या हमारा घुमाता नहीं क्या पुतले, कुछ भी नहीं होगा, नहीं लिए, नहीं कितने लिए, 4 लाख 5 लाख क्या दिए क्या अभी तुमने, शैतान को हाजिर करने, अभी तुम्हारे आंग में शैतान आया था और उसने बोला कि तुम्हारे को कहता मटन का सालन में कुछ खिलाए थे, खिला के आंग में छोड़ा ला, नम्मू शाला तुम चाहते जीव घेना होता सब मन लेते थे, रिकॉर्डिंग मत समझा है, पा तुम निकाय आया इधर कैमरा मान रहे, ऐसा है उनके आंग में आया और आके मराठी में बोला कि मैं तू शमशान से उठा के लाए, मरियाला इंसान है, और उसने बोला कि कोई ये मैं मेरी जबान नहीं बोल रहा हूँ, वो उसने बोला उनके जबान से उनके आंग में आके, और क्या बोला कि मुझे कहाँ से लाके डाले शमशान से, वो सब उसके अंदर कहका मटन के सालन में खिला के क्या जादू करे थे, XYZ मटन का सालन बोले तो गोश्त के सालन में, और किसने करा क्या करा वो मैं आगे नाम पूछूंगा, अभी नहीं, अभी इलाज तो बाकी नहीं होगा, आगे नेक्स्ट राउंड में नाम पूछूंगा वक्त आने पर, बाकी तो ऐसी दास्तान है, और 30 वर्ष झाले बोला उन्हें, 30 ईयर्स हो गए जादू करके उनके ऊपर, वो उसने अंदर की बला ने बयान करी कि मैंने तो मेरे जबानी बयान नहीं करा, इसको कहते अभी इसको कौन से एंगल से देखेंगे लोगों,
और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। ये भी तो खुदा की नियामत है कि कैसी जबान दिया उन्हें कुरान पढ़ने वाली, मैं पढ़ा तो मेरे सामने बला को हाजिर होना पड़ता, और हाजिर हुई तो सब बयान करना पड़ता। कौन डाले, कहाँ से आके आए, इनके आंग पे इससे पहले कभी हाजिर नहीं हुआ, उनको पसीने जा रहे थे सिर से लेके पैर तक, पूरे आंग में सुयाटी चा दर्दा हो रहे थे, उन दवाखानों को जा रहे थे बता रहे थे, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम दवा गोली खाओ, दवाखानों को जाओ, सही बात है, लेकिन कहाँ, जब वाकई में अगर वहाँ का दर्द है तो। बाकी रूहानियत का दर्द है तुमको, तुम्हारे बजा अमल अमलियात करे आले है, और तुम बोलेंगे कि वहाँ दवा गोली खा के हम राइट होंगे, तो तुम कैसे राइट होंगे। दवा गोली के अंदर ही तुम्हारा अगर दिल में दर्द हो रहा तो तुम पेट के दर्द की गोली खा के दिल को राइट नहीं कर सकते। सर दुख रहा तो तुम दूसरी दवा क्या बोलते हो, अस्थमे की खा के सर के दर्द को राइट नहीं कर सकते। इसलिए सबके लिए एक एक दवा मुकर्रर करे आली है, वैसा ही सबके लिए अलग अलग इलाज भी मुकर्रर करे आला है। तुम्हारे पे अगर बाहर के वार है दूसरे दुनिया के, तो तुमको दुआ पानी अल्लाह के कलाम की मदद लेके काटना पड़ेगा उसको। और तुम बोलेंगे कि नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं दिल के दर्द के गोलियां खा के सर का दर्द राइट करूंगा, तो नहीं होगा ना, वैसा कैसा होगा। उधर चीज के रूल्स है, नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीजें रहते हैं, ये सब तरीके है, उधर रख दो उसको वहां पे, मगर ऊपर 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 गिर जाएगा। तो हर चीज के तरीके रहते हैं, हर चीज के अलग अलग वो है, वार है, बातें हैं, बहुत कुछ है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो। तुम हिंदू हो क्या, तुम मुसलमान हो क्या, तुम सिख हो क्या, तुम ईसाई हो, तुम पे अगर जादू तुम्हारे लोगों ने वार चला दी अमल अमलियात के, तो वो जादू टोना ना सिख देखता, ना ईसाई देखता, ना मुसलमान देखता, ना क्रिश्चियन देखता, बरोबर शैतान आ जाते परेशान करते तुम आपको। उनको क्या, उनको जो ड्यूटी दी वो काम करते ना। तुम आपको बड़े तुम ऑफिसर है क्या, तुम देश चलाने वाले रहो क्या, तुम कोई भी रहो, उन्होंने गिनते नहीं। सबके सिर पे ऊपर से जाता जादू का वार, क्योंकि इतना खतरनाक चीज है, जब चल जाता तो फिर किसी को नहीं बख्शता हूँ। फिर तुम कोई भी रहो, फिर उसको जो अल्लाह ने चुने वाले बंदे रहते, जिनके हवाले गद्दिया करे वाले रहते, अल्लाह ने कुतुब अब्दाल जिनके हाथों से निजाम चला था पूरी दुनिया का, फिर उनके पास जाके तुमको राइट होना पड़ता। नहीं तो आम आदमी आम लोग तुमको राइट नहीं कर सकते, तुम्हारे से चुरु के जादू करना छोटे मोटे खा लेते, तुम्हारे तबाह बर्बाद कर देते, और कुछ उन्होंने हल नहीं कर सकते। बार बार मैं तुमको बताता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी को, इसलिए मैं बोलता ये सब बातें कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तुम अगर मानेंगे नहीं ये बातों को और बोलेंगे कि हम मानते नहीं, चलो तुम मत मानो, मैं तुम्हारा कहा बोरा मानो, मगर जहां तुम्हारे अंग में तुम्हारी जबान नहीं बोल रहा वहां तो तुमको मानना पड़ेगा ना। वहां तुम नहीं माने तो फिर तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ है, अक्ल से पैदल इंसान है। तुम्हारे अंग में आके खुद शय बला बयान कर रही, तुम सामने वाले के मुंह से भी नहीं सुन रहे कोई इलाज वाले के, खुद तुम्हारे अंग में आके बयान कर रही हो भला जो भी है, फिर तो तुमको तो मानना पड़ेगा ना, और उसको हटाना पड़ेगा। अब नहीं हटेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो ना मांगे सीख होता दर मांगे भी, फिर तुमको मर के बेटा यकीनन शमशानों में और कब्रस्तानों में भटकना पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बार 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 मैं एक ही बात कहता, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई अपने घर के अंदर सूर बकरा बजा सकते, कुरान के सूर्य घर के अंदर रिकॉर्डिंग में मोबाइल में सब बोलो, सूर्य यासीन, सूर्य रहमान, सूर्य मुजम्मिल, कोई भी सूरत लो, वो सूरत को क्या बोलते तो तुम रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके बजाओ, ताकि तुम बजेंगे तो तुम्हारे यहाँ पर बरकत आएंगी, बलाएं हट जाएंगी, जादू टोना कटेगा, और बहुत सारे तुम्हारे उसके हैरत अंगेज फायदे नजर आएंगे। बाकी तुमको मैं क्या बोलूं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हर किसी बंदे को ये जादू से, शैतान से, चुड़ैल से, भूत से, सबसे अल्लाह उसकी पनाह में रखे, तुम सबको महफूज रखे। अगर उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और तुम ये बलाओं से महफूज नहीं रहेंगे, तो लोगों तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती, तुम्हारा सुकून बेसुकून हो जाता, तुम्हारे खाने हराम हो जाते तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा सुकून हराम हो जाता तुम्हारे ऊपर, इतना खतरनाक आलम रहता है जादू टोना। ये मजाक है क्या, चलने को वार बहुत आसानी से चल जाते, मगर हटाने वाले दुनिया में कोई नहीं बैठे आले। बंदूक की गोली से चला के किसी को भी घायल कर दो, तीर लगा के मार के किसी को भी घायल कर दो, लेकिन वो तीर का जख्म सीने के वास्ते, बंदूक के गोली को निकाल के वो जख्म भरने के वास्ते तुम्हारे वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई भी राहत चलता इंसान वो जख्म को टाके नहीं मार सकता ना, हजारों में एक रहता जिसको डॉक्टर बोलते वो टाके मार सकता, तो वैसे हजारों में लाखों में एक रखा रहता इलाज वाला जो तुम्हारे ऊपर से हटा सकता, अल्लाह वाली शख्सियत है। बाकी तो तुम्हारे बर्बाद और तबाह कर देते तुम्हारे अपने आपस के लोग। आज तक मैंने जितों के भी इलाज करा तो देखो कौन निकले, तुम्हारे सगे और तुम्हारे अपने। बोला था ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां कश्ती तुम्हारी डूबी वहीं तो पानी कम निकला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को सब अपनों ने ही लूटे अली दास्तान है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसके अंदर है रिकॉर्डिंग में, देखो। इबादत की राहों को मजबूती से थामो, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलो, फिर देखो अल्लाह ने तुम्हारे पर कैसे कैसे इनामात रखा ये दुनिया में और वो दुनिया में भी। अल्लाह पाक कहे सुनने सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।